देखो चैप्टर हमारे पास चैप्टर 7 है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन 9th केमिस्ट्री के अंदर, और ये भी आसान सा चैप्टर है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होंगे जैसे मोलैरिटी मोलैरिटी के, ठीक है। तो वो अभी आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल कैलकुलेटर लेकर आना तो कल मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर फ़र्क क्या है, पहले तो ये समझने कि सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन किसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन, अगर केमिस्ट्री के अंदर अगर दो चीज़ों को कंबाइन किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन बनाई जा रही है, मिलाया जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री के अंदर दो तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स को अगर कंबाइन कर रहे हैं, चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, तो दो तरह से कंबाइन किया जा सकता है। एक हमारे पास दो चीज़ें केमिकली कंबाइन हो सकती हैं, या उसका केमिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 का नाम ही था केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो दो तरह की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, केमिकल कॉम्बिनेशन भी बन सकता है और फिजिकल कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। केमिकल कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू बनता है, और ये केमिकल बॉन्ड को चैप्टर 5 में हमने पढ़ लिया है। केमिकल बॉन्ड के थ्रू बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन, जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाएं, ठीक है। जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग फिर कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड, फिर उसको हमें कंपाउंड कहते हैं जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। और जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कंबाइंड हो रहे होते हैं, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे सोडियम एक हमारे पास एलिमेंट है और क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब इस NaCl सोडियम और क्लोरीन जो कंबाइंड हो रहे हैं ना, दिस इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन, चूंकि आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक और देखो बच्चे, H2+Cl2 HCl बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कंबाइन हो रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो रही है। अब इस सोडियम और क्लोरीन को अलग करना बहुत मुश्किल है, इस हाइड्रोजन इस क्लोरीन को अलग करना बहुत मुश्किल है, इतने आराम से इसको ब्रेक नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन, ब्रेक करना मुश्किल है इसको। केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में चूंकि हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा अब इसके बारे में और नहीं पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, पूरे पूरे लॉज पढ़े केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, याद होगा ना सबको। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, चैप्टर 2 में चैप्टर 5 में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले फिजिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जब दो चीज़ें फिजिकली कंबाइंड हो जाए, जब दो चीज़ें फिजिकली कंबाइंड हो जाती हैं तो उनको अलग करना सेपरेट करना बहुत आसान होता है। तो जब दो चीज़ें फिजिकली कंबाइंड हो जाती है बच्चों, तो उसको कंपाउंड नहीं कहते, देन उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर, उसको मिक्सर कहा जाता है केमिस्ट्री में, जब दो चीज़ें फिजिकली कंबाइंड हो जाए। फिजिकली कंबाइंड किस तरह से होती है कि आप उसको सेपरेट आराम से कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कह लूँ कि अगर मैं सैंड ले लूँ, रेत, और सैंड के साथ मैं मिला दूँ आयरन पीसेस, आयरन फिलिंग्स, लोहे के बुरादा मिला दूँ, सही है। रेत ले लिया, मिट्टी ले ली, और मिट्टी में लोहे का बुरादा मैंने मिला दिया, लोहे का चूर मैंने मिला दिया, समझ गए। अब मैं आपसे बोलूँ कि अलग करके दा, तो अलग कर लोगे लोहे को मिट्टी से, कैसे, मैग्नेट की मदद से अलग कर लोगे, मैग्नेट में सारा आयरन फिलिंग चिपक जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएंगे। इसका मतलब चूंकि आप अलग कर लिए आराम से, हर बच्चा अलग कर सकते हैं इजिली, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको साइंसदान बनने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा बच्चा कर लेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो हम कहेंगे कि आप सैंड और आयरन फिलिंग के बीच में मिक्सचर बना हुआ था, तो ये मिक्सचर को अलग करना आसान होता है। लेकिन आप इस सोडियम और घर में नमक रखा हुआ है, क्या आप चंबुक से अलग कर सकते हो सोडियम और क्लोरीन को, कि नमक में चिपका है सोडियम अलग हो गया क्लोरीन अलग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसको इतने आराम से ब्रेक नहीं कर सकते। अब जब मिक्सचर की बात करते हैं बच्चों, तो मिक्सचर फिर फर्दर दो तरह के मिक्सचर हमारे पास है केमिस्ट्री में। एक हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा हमारे पास कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो के मतलब होते हैं सेम, होमो मतलब होते हैं सेम, और जीनस के मतलब होते हैं स्टेट, सेम स्टेट। हेट्रो के मतलब होते हैं डिफरेंट, और जीनस मतलब दोबारा से हो गया स्टेट। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाए और दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद दोनों की स्टेट सेम हो जाए, तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर।
और अगर दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है और दोनों की स्टेट डिफरेंट हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिसाल के तौर पे एग्जांपल समझते हैं, हमने लिया नमक NaCl और नमक में डाला हमने पानी, या पानी में हमने नमक डाल दिया और दोनों को घोल दिया तो बन जाता है ब्राइन, जो अभी लिखा रहा था मैं आपको ब्राइन। नमक की स्टेट क्या होती है, किस स्टेट का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, किस स्टेट का होता है नमक, सॉलिड होता है। पानी की स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। नमक को पानी में घोल दोगे तो ब्राइन की क्या स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम स्टेट में आ गए, तो ब्राइन एक मिक्सचर तो है लेकिन होमोजेनस मिक्सचर है। इसी होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। होमोजेनस के वर्ड के मतलब समझो क्या होते हैं, ठीक है, सेम स्टेट। अच्छा ये फिजिकली कंबाइंड है, सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि नमक को पानी में घोल दिया है, अब मुझे नमक वापस चाहिए, तो क्या वापस ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, कैसे ला सकते हैं, नहीं ला, कैसे ला सकते हैं, नहीं ला सकते, सिंपल बात है, ऑपरेट कर दो, हीट कर दो उसको, बेड आप घर पर जाकर हर बच्चा कर सकता है, नमक पानी में घोल दो उसके बाद उसको क्या चूल्हे में चढ़ा दो, हीट कर दो, सारा पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। कभी ऐसा किया है, कभी देखा है ऐसा, पानी उबलते हुए देखा है कभी, पानी उबाला होगा ना कभी, ठंडे पानी से नहाना होता है, बहुत सख्त सर्दी है, पानी उबाल लिया, अगर हीटर नहीं है तो आप उसको जो है उबाल ले, तो जब पानी को उबालते हैं, जब पानी को उबाला जाता है तो कभी देखा है उसके अंदर से वाइट 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 कलर का जम जाता है, साइड किनारों पर वाइट वाइट कलर का जमा हुआ होता है, तो वाइट कलर का सॉल्टी तो होता है जो बाहर निकल जाता है एवोपरेट होने में, तो हर बच्चा देख सकता है, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको, मतलब सेपरेट किया जा सकता है इसको, ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि इसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड होंगी लेकिन स्टेट दोनों का अलग अलग रहेगा। मिसाल के तौर पे लेट्स से मैंने ले लिया स्टोन, मैंने ले लिया स्टोन, स्टोन मतलब होता पत्थर, और मैंने ले लिया वाटर पानी, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, तो दोनों को मिक्स कर दिया, एक मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है, स्टोन प्लस वाटर का, सही है भाई। स्टोन का क्या स्टेट होता है, पानी का क्या स्टेट होता है, और जो मिक्सचर बनेगा उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होगा ना, पत्थर तो हल ही नहीं हो पाएगा, मिक्स हो जाएगा उसमें लेकिन हल नहीं हो पाएगा। अगर आप सेपरेट करना चाहो उसको तो फिल्टर कर लो, या तो फिल्टर कर लेंगे तो फिल्टर करने से क्या होगा, पत्थर अलग हो जाएगा और इस तरह से पानी अलग हो जाएगा, लेकिन चूंकि अलग अलग स्टेट में है मिक्सचर तो इसलिए हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और एग्जांपल समझो कि हमने ले लिया सैंड मतलब रेत ले लिया और उसमें पानी डाल दिया, ये बन गया मड, मड मतलब कीचड़ बन गया, तो रेत का स्टेट आपका सॉलिड होता है सैंड, और पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, और कीचड़ जो बनता है उसमें दोनों चीज़ होती है, सॉलिड लिक्विड दोनों होता है, तो ये तो कीचड़ क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, सस्पेंशन है, क्यों, चूंकि वो एक से ज़्यादा स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना बच्चे, इसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में सस्पेंशन। डेफिनेशन अब समझ में आ गई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड सस्पेंशन, याद है बात समझ में आ रही है सबको। अब आपको सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब दोनों मिलाया जाता है तो क्या तैयार होता है भाई, सॉल्यूशन तैयार होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाप, सब क्या फर्क है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, याद रखो जो चीज़ कम होगी वो सॉल्यूट है और जो चीज़ ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट है। नमक और पानी मिला दिया ब्राइन बन गया, दोनों में से सॉल्यूट क्या है NaCl, क्योंकि कम होगा ये और ज़्यादा पानी होगा तो वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। समझ में आ गई बात सारी, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने क्वेश्चन वन लिखा है उसके सारे आंसर्स इसके हो गए, ठीक। सो नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। सो हियर वी हैव सॉल्यूशन के जब टाइप्स की बात की जाए तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। तो ये समझने की चीज़ है जरा इसको डिटेल में, चूँकि MCQs में आ सकता है ये, फिर ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट की तरह दोबारा मार्क्स जो है वो उसमें डिडक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप इसको समझना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बना सकते हैं, सबसे शुरू में बनाएंगे हम गैस, गैस का मतलब गैस के साथ गैस मिक्स हो जाए तो नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा मैं शुरू में पहले इस तरह 3 गैस लिख दें, उसके बाद 3, इसके बाद हम लिक्विड लिख देते हैं, उसके बाद 3 हम यहाँ पर जो है वो हम सॉलिड लिख देते हैं, मतलब सारे कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बना लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गैस है, तो गैस लिक्विड सॉलिड, अब फिर उसके बाद दोबारा से गैस लिक्विड सॉलिड, उसके बाद दोबारा से गैस लिक्विड सॉलिड, इस तरह से हर तरह के ये 3 जो है इस तरह से 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस
बन सकते थे हमने बना लिए सबके अंदर, मतलब टोटल तीन तरह के सेट होते हैं ना, सॉलिड भी गैस, तो उस नौ तरह से वो अलग अलग कंबाइन हो सकते हैं। अब आपको ये चीज़ पता है कि सॉल्यूट हर वो चीज़ जो कम है और सॉलेंट हर वो चीज़ जो ज़्यादा है। आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से एग्जाम्पल में हम उस सॉल्यूशन को लिखेंगे जो सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ नमक और पानी का हो, सॉल्यूशन हज़ारों तरह के हो सकते दुनिया में। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के हमें जो है वो सॉल्यूशन को जाकर लिखना है। मिसाल के तौर पे गैस और गैस का सॉल्यूशन, दो गैस का मिक्सचर, गैस को गैस के साथ मिला दें तो फिर क्या बन सकता है? तो यस, इसके एग्जांपल में हमारे पास जो है वो आ जाएगा एयर, हवा। एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सुना होगा। तो एयर में गैसेस मिक्स होते हैं, गैसेस गैसेस के साथ मिक्स होती हैं, तो एयर जो है वो एग्जाम्पल है किसके भी मिक्सचर ऑफ गैसेस की या सॉल्यूशन ऑफ गैसेस की, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब आपको पता है एयर में दो गैस सबसे ज़्यादा है, 78% क्या है आपके पास है नाइट्रोजन और 21% ऑफ ऑक्सीजन, अदर गैस कहाँ से है, अदर गैस 1%, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो हमारा सॉल्यूट है, सॉरी गलत हो गया, नाइट्रोजन जो है वो हमारा क्या है सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन क्या है सॉल्यूट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, सही है। ये पहली एग्जांपल मैंने आपको पहले टाइप की एग्जांपल पेश की। अब आ जाता है गैस लिक्विड, कि गैस कम हो और लिक्विड ज़्यादा हो। यस, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स हमारा पेप्सी हो गया, या पेप्सी हो गया, सेवन अप हो गया, इस तरह से जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें आपको पता है लिक्विड के अंदर जो है वो गैसेस जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। बुक के अंदर, वैसे बुक के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है, चैप्टर 7 के अंदर बुक में ये चीज़ सेकंड पेज पे ही मौजूद है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है देखने की उसको, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो गैस लिक्विड समझना है इसको, है कि गैस और लिक्विड, कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा है और गैस जो है वो कम है। तो आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर होती है, CO2 गैस, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है असल में, कि उसके अंदर वाटर होता है, तो या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस इन वाटर, उसमें वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ ली है, तभी तो उसको कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक भी कहा जाता है, सोडा वाटर भी इसको कहते हैं, पेप्सी को, सेवन अप को, इस तरह कोका कोला को, इन सब चीज़ों को। तो वो असल में एक सॉल्यूशन है गैस और लिक्विड का। अच्छा, उसमें लिक्विड ज़्यादा होती है, लिक्विड वाटर जो है ना, वाटर उसके अंदर जो है वो आपके पास सॉल्वेंट है, और गैस कम होती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। अब आ जाते हैं गैस सॉलिड, गैस कम हो सॉलिड, गैस कम हो और सॉलिड ज़्यादा। अभी थर्ड पॉइंट मैं अभी आपको नहीं बता रहा, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, तो ये आखिरी मुश्किल चीज़ को लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। नाउ लिक्विड गैस, लिक्विड कम हो और गैस ज़्यादा हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन, क्या चीज़, क्लाउड कह सकते हैं। यस, मैंने कैंपस 1 में उसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट ये चैप्टर 7, तो उसमें मैंने लिखाया हुआ है कि लिक्विड और गैस जो है दैट इज़ क्लाउड, वो क्लाउड मतलब के बादल, क्लाउड या बादल। बादल में आपको पता है कि बहुत सारी गैस होती है और गैस के अंदर थोड़ा सा पानी होता है, वाटर होता है, और वो गैस जो है वो पानी को उड़ा कर इधर उधर लेकर जा रहा होता है, कहीं कहीं पर बारिश भी हो जाती है तो वो पानी बरस जाता है बारिश बन के। तो क्लाउड या बादल जो है ना, तो बादल इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड गैस, जिसमें गैस ज़्यादा है, लिक्विड कम है, पानी कम है, सही है। वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, वाटर वेपर्स भी और लिक्विड वाटर भी, लिक्विड वाटर कम होता है, वाटर वेपर ज़्यादा होता है, सही है। तो ये हमारे पास लिक्विड गैस का सॉल्यूशन है। लिक्विड लिक्विड ये बहुत सिंपल है, दो लिक्विड मिला दो तो क्या कुछ बन सकता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेमोनेड। लेमोनेड किसको कहते हैं, लीमू पानी, लीमू पानी तो पिया ही होगा। तो लीमू पानी कैसे बनाते हैं, लीमू का रस और पानी, लीमू का रस कैसा है, लिक्विड है, सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, दोनों लिक्विड लिक्विड मिल रहा है, तो लीमू पानी एक सोल्यूशन हुआ दो लिक्विड का। रू अफजा, जामे शेरी, नौरस, ये सब हो गया, क्योंकि सब में लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, सही है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है लिक्विड सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है, उसको हम लोग पढ़ते हैं डो, ठीक है, डो कह सकते हैं, डो भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम जेली भी लिख सकते हैं। जेली की बात कर लो, अगर आपने कभी जेली अगर आपने बनाया है कभी, तो जेली में सॉलिड ज़्यादा होता है, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाला जाता है रफान जेली बनाने के लिए, कभी ग्रीन रेड जेली बनाते हैं ना स्ट्रॉबेरी वाली और ये, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डो या जेली, जेली डो किसे कहते हैं, डो मतलब गूंदा हुआ आटा, डो कहलाता है। तो आटा अगर कभी, जैसे घर को तो पता ही होगा कि आटा जब गूंदा है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आटा होता है, थोड़ा सा पानी डालते हैं,
और उसको जब वो गूंथते हैं तो क्या होता है, वो डो बन जाता है, लोई उसको कहते हैं उर्दू में, उसको फिर आखिरकार फिर बेलते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। तो डो जो है वो क्या है, डो में सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है, जनरल एग्जाम्पल दे रहा, बुक में शायद कुछ और हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेवन्थ, सॉलिड गैस, गैस कम, गैस ज़्यादा है, सॉलिड कम है, तो उसकी इसकी एग्जाम्पल हो गए स्मोक, स्मोक मतलब होता है धुआं, और धुआं असल में है क्या चीज़, स्मोक इज एक्चुअली कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, हवा में कार्बन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आते हैं ना, तो उसी को हम स्मोक कहते हैं, धुआं कहते हैं। जब कहते हैं ना गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी में से कार्बन के पार्टिकल छोटे छोटे निकल रहे होते हैं, वो हवा के साथ मिक्स करके धुआं स्मोक बना लेते हैं। तो स्मोक में गैस जो है वो थोड़ी सी होती है, तो स्मोक तो मैंने बता दिया, स्मोक क्या है, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सॉलिड लिक्विड, कि लिक्विड ज़्यादा हो और सॉलिड कम हो, उसके एग्जाम्पल क्या चीज़ हो सकती है, ब्राइन, ब्राइन के बारे में भी आपको पता है, ब्राइन में दो चीज़ें थी मैंने बताया क्या, कि सॉल्ट के साथ क्या मिक्स कर दो, H2O वाटर यूज़ कर लो, तो नमक थोड़ा सा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो ब्राइन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड एज अ सॉल्यूट है और लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड, सॉलिड दो सॉलिड को मिलाने से जो उसकी एग्जाम्पल मैंने बताया वो क्या है भाई, अलॉय, अलॉय कैसे कहते हैं, भारत उर्दू में कहते हैं, अलॉय इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स को जब मिलाते हैं तो अलॉय बनता है, और दो फेमस अलॉय के बारे में तस्करा कर रहा हूँ यहाँ पर, एक क्या है स्टील और एक क्या है ब्रास। तो स्टील कैसे बनता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, स्टील तब बनता है जब आयरन को मिलाते हैं निकल के क्रोमियम के साथ, तो फिर स्टील की फॉर्मेशन होती है। और ब्रास या पीतल जिसको कहते हैं वो कब बनता है, जब कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, तो स्टील और ब्रास ये एग्जाम्पल है अलॉय की, और अलॉय क्या है, दो सॉलिड का मिक्सचर है, मतलब मेटल और मेटल का मिक्सचर है, ठीक है। लास्ट में आपको बता रहा हूँ गैस सॉलिड, ठीक है, गैस सॉलिड के अंदर मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटल। अच्छा दो चीज़ें हैं, एक चीज़ होती है, एक वर्ड हमारे पास है एब्जॉर्ब और एक चीज़ हमारे पास है एडजॉर्ब, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में फ़र्क होता है, ठीक है। यस, एब्जॉर्ब में क्या होता है, जब कोई चीज़ जज्ब होती है ना एब्जॉर्ब में, तो वो सिर्फ ऊपर के सतह पर जज्ब हो रही होती है, और जब एडजॉर्ब की बात, सॉरी एब्जॉर्ब जब होती है ना, तो वो चीज़ जो है वो अंदर तक मतलब पेनिट्रेट कर जाती है किसी सब्सटेंस के, और जब एड्जॉर्प्शन होती है तो किसी चीज़ सिर्फ सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रही होती है, जज्ब हो रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं उसके एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चौक है, एक चौक आपने लिया और चौक को आपने एक और एक चौक लिया और एक इंक पॉट आपने लिया, ठीक है, इंक पॉट लिया या इंक आपने किसी जग में इंक ले लिया रेड कलर का, और आपने क्या किया कि चौक को आपने इंक पॉट के जग ऑफ इंक के अंदर डुबा कर आप बाहर निकाल दें, तो उससे क्या होगा कि जो इंक है वो सिर्फ ऊपर सतह पर लगेगी, चौक के अंदर तक नहीं जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्ब। और एब्जॉर्ब कैसे कहेंगे, मिसाल की तरफ तुम फोम ले लोगे, फोम, और फोम लेकर इंक में डुबा कर निकाल दो, तो वो क्या होगा, पूरा मतलब अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहता है। तो याद रखो एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब की इंग्लिश के दो वर्ड्स में क्या फ़र्क है। तो हाइड्रोजन गैस की एड्जॉर्प्शन किस पर, भाई मेटल पर। देखो मेटल हो ना, कोई भी मेटल आप ले लो, जैसे आयरन वगैरह कोई मेटल आप लेते हो, तो मेटल्स जो है ना उनके एटम्स बड़े साइज के होते हैं, मेटल के एटम्स साइज में बिग होते हैं, बड़े होते हैं। और जब मेटल के एटम साइज में बिग होंगे, तो जैसे मिसाल के तौर पर देखो मैं यहाँ पर 9 एटम बनाता हूँ आयरन का, आयरन के मैंने यहाँ पर 9 एटम्स बनाए, जिससे एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा का सारा Fe है, मतलब आयरन है। अब जब आयरन के एटम साथ में जुड़ेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनको जुड़ने से यहाँ बीच में खाली स्पेस बच रहा है, मिलने से बचेगा ना भाई। तो जब ये आपस में मिलेंगे इस तरह से राउंड राउंड है, सर्किल सर्किल है, जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके क्या होगा, इनके मिलाप से इनके बीच में स्पेस बचेगा, इसी स्पेस को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं वॉइड, खाली जगह, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मतलब के लो पोर्स होते हैं ये, हर दिखने में नहीं लगेगा कि लोहे के ऊपर कोई सुराख है, लेकिन वह बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। उन होल्स में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे जैसे हाइड्रोजन जैसे एक छोटा आइटम क्या हो सकता है, घुस सकता है उसके अंदर, इसके सरफेस पर क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, ऊपर जज्ब हो जाता है। तो एक तरह से कहा जाता है कि सॉलिड बहुत सारा होता है, थोड़ी सी गैस हाइड्रोजन के उसके ऊपर जज्ब हो जाती है, इसी को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटल। तो ये एग्जांपल किसकी होगी, गैस सॉलिड की, सॉलिड बहुत सारा है और थोड़ा सा गैस उसमें एड्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आपने रियल लाइफ में होता मैंने देखा होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह उसकी होती हैं, ठीक है। तो बस तो समझ में आ गया के 9 टाइप्स सॉल्यूशन के 9 टाइप्स स्टार्ट सेंटर, ये चार्ट आपको बनाना है कॉपी में, तो उसको आप बना लो, ठीक है। नॉलेज, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं अब हम एक्सप्लेनेशन में, और वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये बड़ा एक इजी सा एक टॉपिक है जिसको समझना है, डिटेल में आता है सेक्शन सी में आता है क्लास 9th में ये, ठीक है।
केमिस्ट्री में, तो फैक्टर्स मतलब अवामिल, क्या ये फैक्टर्स अवामिल, अफेक्टिंग का मतलब होता है असर करना, एक ए से इफेक्ट होता है वो वर्ब होता है असर करना, एक ई से इफेक्ट होता है, इफेक्ट का मतलब होता है वो नाउन होता है, ठीक है, तो नाउन और वर्ब का फ़र्क है जस्ट ये। सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी, हल होने की सलाहियत, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, हल होने की सलाहियत, कोई चीज़ कितनी हल होती है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि नमक जो है वो पानी में ज़्यादा हल हो जाता है तो नमक की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है पानी में, पत्थर पानी में हल नहीं होता तो पत्थर की सॉल्युबिलिटी कम है पानी के अंदर, तो हल होने की सलाहियत, एबिलिटी टू डिसॉल्व, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अब ऐसा क्यों होता है कोई चीज़ पानी में ज़्यादा हल होती है कोई चीज़ पानी में कम हल होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस एक बड़े टॉपिक में। ये बड़ा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो तीन फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कॉमन डेली लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि इजीली सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, दर्जा हरारत, ठीक है, हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, सर्द या गर्म, इसको टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं। टेम्परेचर डिपेंड करती है, किस तरह डिपेंड करती है, इसके लिए दो एक तरह के एग्जाम्पल समझते हैं। पहला मैं आपको बताता हूँ, सॉलिड इन आ लिक्विड, अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल दूँ, सॉलिड को लिक्विड में डाल दूँ, इसका मतलब मैं अगर नमक ले लूँ और नमक को मैं पानी में डाल दूँ, या नमक ना लूँ अगर मैं चीनी ले लूँ, शुगर ले लूँ और शुगर को पानी में डिजॉल्व कर दूँ, तो अब टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करेगा इसके सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। ये एक अब एक अब मैं आपसे पूछूंगा, आप भी इसका आराम से जवाब दे दोगे कि अगर चीनी को पानी में घोलना है तो वो गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व होगा कि ठंडे पानी में, गर्म पानी में, सिंपल सी बात है। घरों में मेहमान आते हैं, अगर मिसाल के तौर मेहमान आ गए सर्द गर्मी का मौसम है, आप उनको जो है वो रूह अफ़ज़ा बनाकर देना है या फिर उनको जो है वो कुछ शरबत बनाकर देना है, अब उनको अगर कुछ शरबत बनाकर देना है हमें, तो अब आपने बर्फ़ बिल्कुल बिल्कुल ठंडा बिल्कुल मतलब पानी निकाल दिया फ्रीज़र से, और उसको अब जैसे मैं बनाना नहीं आता किसी को अगर शरबत, तो वो क्या करेगा, वो उसको ठंडा पानी निकाल के उसने गिलास में डाला, उसके बाद उसमें उसने जो है वो जिस माल के तौर पर लीमू का शरबत बनाया, लीमू का रस डाला उसके अंदर, उसके बाद चीनी उसके अंदर डाल के उसने जो है उसको घोला, अब वो चीनी वो घोलते रह जाएगा उसके अंदर और चीनी घुलेगा नहीं, क्योंकि जब ठंडा पानी, ठंडे पानी में चीनी घुलेगा ही नहीं, वो परेशान हो जाएगा बंदा। इसके लिए अकलमंद लोग क्या करते हैं, अकलमंद लोग गर्म पानी के अंदर चीनी को डिजॉल्व करते हैं फिर आइस क्यूब ऊपर से डाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीका है, टाइम बचाता है आपका। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और अगर टेम्परेचर कम हो, लो टेम्परेचर मतलब ठंडा हो अगर वो लिक्विड, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना भाई। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे हल होने की सलाहियत भी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम करो तो हल के साथ बढ़ जाएगी, बच्चा भी जानता है ये बात, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं, समझ में आ गई बात ये वाली। दूसरी बात पर हम कर सकते हैं, दूसरा क्या एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि गैस इन लिक्विड, अगर किसी गैस को तुम लिक्विड में डाल दो, गैस इन लिक्विड, गैस से मुराद मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और लिक्विड से मुराद की वाटर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पेप्सी के अंदर या इस तरह कोक के अंदर, कोका कोला के अंदर, सेवन अप के अंदर, स्प्राइट के अंदर, इन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डली हुई होती है, उसके अंदर भी पानी के अंदर, तभी वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक कहलाता है। और वहाँ पर उलट मामला है, अगर आपको गैस को पानी में हल करना है तो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा नहीं हल होगा, लो टेम्परेचर पर ज़्यादा हल हो रहा होता है ना। देखो जब गैस के, जो लिक्विड के अंदर, पेप्सी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, उसी की वजह से आपको उसकी जो है वो स्ट्रेंथ, उसकी एक शार्पनेस फील हो रही होती है, पी के लग रहा होता है हाँ ये स्ट्रॉन्ग है ये पेप्सी, मतलब लोकल नहीं है ये, वो एहसास होता है ना वो जाके पीते हैं, उसको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है, और स्ट्रेंथ किस वजह से होती है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, उसको हम लोग झांस कहते हैं हम लोग उर्दू में, कि झांस है इसके अंदर बहुत, ठीक है, वो झांस की वजह से, एफर्वेसेंस की वजह से फील हो रहा होता है कि हाँ भाई अब पेप्सी पी रहे लग रहा होता है, तो यही नॉर्मल जूस वगैरह पीने में आपको फील नहीं होगा वो। अब जितना ज़्यादा ठंडा होगा ना पेप्सी कोक, उतना ज़्यादा आपको झांस फील होगा, ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर आपने पेप्सी खरीद कर रख लिया, खोल कर उसके आपने ऐसे छोड़ दिया 6 घंटे के लिए ऐसे खुले में, गर्म हो जाएगा वो, अब पियो उसको तो कैसा लगेगा, वो बिल्कुल लगेगा अजीब सा कुछ पी रहा है, अजीब सा बिल्कुल दवाई जैसे टेस्ट आ रहा होगा, ऐसे ही होता है ना, कोई भी नहीं पीता वो गर्म करके उसको। वजह क्या है, चूंकि जब वो ठंडी होती है ना कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का डिसॉल्व होती है पूरी तरह से, तो वो पीने में मज़ा आ रहा होता है, और जब वो गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है उसके अंदर से, तो जब उसको पीते हो तो तुमको फील ही नहीं आता है कुछ भी, कि इसके अंदर झांस कोई भी नहीं लगती।
तो गैस को जब तुम लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो उलट मामला है, जितना ठंडा होगा उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा गैस, और जहां गर्म होगा गैस निकल जाएगी बाहर सारे। जबकि ऊपर इस वाले मामले में उल्टा है, जो टेम्परेचर हाई करोगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, इस मामले में टेम्परेचर हाई हो जाए सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। बस समझ में आ गई, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, घर पर जाइए कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट आप, आपको पता है सिंपल, ठीक है। सोडा वाटर ठंडा पीने में मज़ा आता है, गर्म पीने में मज़ा नहीं आता। समझ में आ गया टेम्परेचर फैक्टर क्या है, तो ये टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करती है सॉलिबिलिटी को, देखने में तो लॉन्ग क्वेश्चन है बट समझने में आसान है। दूसरी चीज़ अब मैं बात करता हूँ प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दबाव या हवा का दबाव, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। हवा का एक प्रेशर होता है, हवा का एक दबाव होता है, हवा हम सब पर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रही होती है। हवा का दबाव टॉप बॉटम पे डिफरेंट होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप ये 80 लेवल है ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए तो ये पहाड़ है, ठीक है। जितना आप टॉप पे जाते हैं ना हवा का दबाव कम से कम होता रहता है। मिसाल के तौर पे ये सी लेवल है, जैसे ये कराची शहर है सी लेवल पर और ये ऊपर पहाड़ है, K2 पहाड़ है कोई, ठीक है, बहुत टॉप पे। तो यहाँ पर जो प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना हवा का, उसकी एक खास वैल्यू होती है 1 ATM, उसको कहते हैं 1 atmospheric प्रेशर। और जब ऊपर तुम जब K2 पे चढ़ जाओगे तो 0.8 ATM कम हो जाएगा, और ऊपर जाओगे 0.7, 0.6, 0.5 हो जाएगा। हवा का दबाव जितना ऊपर जाता है कम होता रहता है, एयर प्रेशर। तो अब हम देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी पर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कराची शहर में खड़े होकर अगर हम जो है वो पानी, मतलब पानी के अंदर अगर हम जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब पहले वही हम बात कर ले रहे हैं कि शुगर, कि चीनी जो है वो हम घोल रहे हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। तो कराची शहर में मतलब कि नॉर्मल प्रेशर पे जब हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, यकीन सी बात है। और जब हम K2 के पहाड़ के चोटी पर जाकर भी पानी के अंदर जब चीनी घोलेंगे तो वहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड इन लिक्विड पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये मैंने आपको लिखा है ना कॉपी में, प्रेशर का कोई असर नहीं है। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो तो कोई प्रेशर कम कर दो ज़्यादा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम डिजॉल्व होगा, प्रेशर का कोई फर्क नहीं आता। लेकिन दूसरा गैस इन लिक्विड, अब यहाँ फर्क आएगा कि अगर गैस को तुम लिक्विड में डिजॉल्व कर दो तो, ठीक है, गैस को आपने लिक्विड में हल कर दिया, मिसाल के तौर पर पेप्सी के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स की हुई है, हाई प्रेशर पर मिक्स की होती है, अगर आपको पता है तो, वो कंपनी के अंदर बहुत हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है, बहुत हाई प्रेशर पर, फिर उस पर ढक्कन भी ऐसा लगाते हैं एकदम कि वो बिल्कुल हवा बाहर नहीं आना चाहिए, प्रेशर अंदर बनी रहे। और कभी जैसे ही आप जब खोलते हो तो प्रेशर फौरन से रिलीज होता है, बाहर आता है, अगर उसमें शेक कर दिया तो बहुत तेज़ी में प्रेशर बाहर आता है उसके अंदर से, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि हाई प्रेशर पर ही तो जो है वो गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो पाएगी। और ये अगर आप प्रेशर कम कर दो, जब मिसाल ढक्कन खोल कर छोड़ दो, प्रेशर रिलीज होता रहेगा तो क्या होगा, सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी उसके अंदर से। तो अगर गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाए तो हाई प्रेशर पर ज़्यादा डिजॉल्व होगा गैस, और लो प्रेशर पर कम डिजॉल्व होगा। इसी को हम एक लॉ कहते हैं, इसको ये कहलाता है हेनरीज लॉ, साइंटिस्ट का नाम था हेनरी, उसने ये लॉ पेश किया था। हेनरी ने क्या बोला था, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एम क्या है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, कि कितना ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मास भी बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा अमाउंट आप गैस का लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब प्रेशर में ये समझ में आती है कि चीनी को पानी में घोलने पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं है, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हाई प्रेशर पर ज़्यादा डिजॉल्व होगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर पर डिजॉल्व किया जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है प्रेशर का फैक्टर। तो नेक्स्ट और आखिरी थर्ड हमारे पास जो है, थर्ड इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से क्या मुराद होता है बच्चे, देखो मैंने दो तरह के सॉल्यूट होते हैं, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरह की चीजें, एक होता है पोलर सॉल्यूट, एक चीज होता है पोलर सॉल्वेंट। ये मैंने आपको चैप्टर 5 के अंदर बताया था, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब मैं बता रहा था तो वहां पर बताया था पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, अभी दोबारा बता देता हूँ। और एक हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्यूट, और एक हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्यूट क्या है, जिसके अंदर पोल्स मौजूद है, प्लस माइनस चार्ज मौजूद है जिसके अंदर, ठीक है। जैसे नमक, नमक आपका पोलर सॉल्यूट है, चूंकि मैंने आपको Na+ होता है और Cl- होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है ना प्लस माइनस से,
तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 5 के अंदर। पोलर सॉल्वेंट क्या है? वाटर, पानी। पानी के बारे में बताया था कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, प्लस माइनस इसके अंदर भी होता है, ठीक है, पानी के अंदर, वाटर के अंदर हेट्रो अलग अलग एटम से मिलकर बन रहा है तो पोलर है फिर ये। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्यूट की बात की जाए तो नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर मिसाल के तौर पर हम सल्फर ले लेते हैं। सल्फर एक नॉन पोलर सॉल्यूट है। सल्फर पता है गंधक, गंधक कहाँ डालते हैं भाई? पानी, गंधक हो ना जो पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है, उसको कभी टैंकी वगैरह, अगर आपने कभी साफ किया ना टैंक वगैरह, तो टैंक के अंदर पत्थर एक डाला होता है पीले रंग का, पीले रंग का सिलेंडर जैसा पत्थर होता है, 6, 7, 8, 10, 12 बहुत होता है, उसके आगे भी मिट्टी जमा होती है, उसके आगे पीछे बहुत सारी मिट्टी खींच लेता है, उसको कहते हैं गंदला पानी, है ना, मिट्टी खींचता है उसको। गंदा घरों में डाला जाता है पानी साफ करने के लिए उसको, है ना, तो हर टंकी में डाला होता है और वो सालों साल वैसे ही रहता है डले डले, 10 साल बाद भी निकालोगे तो वैसे ही मिलेगा आपको, वो पानी में हल नहीं होता वो। सल्फर बोलते हैं गंदक, वो पंसारी की दुकान से, हकीम की दुकान वगैरह से मिल जाता है, आराम से नॉर्मल दुकानों से मिल जाता है। सल्फर इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट है ये, एस से सिंबल इसका है, उर्दू में गंधक बोलते हैं, पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, घरों में टंकी के अंदर डाला जाता है। सल्फर पानी में कभी हल नहीं होता, तो भी बताऊंगा क्यों नहीं होता। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या चीज़ है? जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब यह बात समझो, ये तो मैंने बताया पोलर सॉल्वेंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम एक बात याद रखते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, मैंने आपको लिखवाया भी है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब एक जैसे सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में हल होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। ये भी फैक्टर है, समझो, नमक है या चीनी है, आप उसको पानी में घोल सकते हैं आराम से, सही बात है। यही तुम क्या लो, पेट्रोल लो, एक गिलास या एक कप पेट्रोल लो, और उसमें कभी तुम जिंदगी में कभी करना कि नमक और चीनी घोलने की कोशिश करना, कभी भी नहीं घुलेगा। चीनी कभी भी पेट्रोल के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो, मतलब ऐसा होता है ना, पेट्रोल के अंदर कभी डिजॉल्व नहीं होता, कभी भी नहीं होता वो। कभी किसी की बाइक ख़राब करनी होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसके इंजन के ऑयल के अंदर चीनी डाल लेते हैं, इंजन सीज हो जाता है। वैसे बता रहा हूँ, क्या पता होगा आपको, पूरा बाइक को इंजन का सीज करना है तो वो जो बाइक के जहाँ पेट्रोल डालता है ना ऑयल, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दो, क्योंकि वो कभी हल हो ही नहीं सकेगा उसके अंदर, वो फंस जाएगा इंजन में जाकर कहीं ना कहीं, उसके कैनोपीज में पूरा इंजन खोलना पड़ जाएगा। तो यही वजह है कि, वजह क्या है कि चीनी पानी, मतलब पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और पानी पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्यूट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ पोलर सॉल्यूट हल हो सकता है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, लेकिन यही पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकता कभी भी, पेट्रोल में कभी नहीं हल कर सकते, जितना चम्मच हिला दो कभी घर में जाया करना, कभी भी हल नहीं होगा। यही सल्फर गंधक नॉन पोलर होता है, सल्फर को आप पानी में हल नहीं कर सकते, 10 साल तक रखे रहो पानी में हल नहीं होगा। यही क्या करो, एक कप पेट्रोल लो और उसमें सल्फर लेकर डिजॉल्व करो, तो नमक की तरह गंधक जो है ना वो पेट्रोल में हल हो जाता है। अब पेट्रोल में क्यों लगे, चूंकि पेट्रोल खुद नॉन पोलर है और गंधक भी या सल्फर भी नॉन पोलर है, तो इसका मतलब क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर, समझ में आ गई सारी चीज़ें, तीनों फैक्टर समझ में आ गए, तो बस ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी।